नहीं दे पाए और इतना भयंकर महासंग्राम किए, वो देवता उस दुर्लभ अमृत को आज बिन मांगे परीक्षित को पिलाने के लिए आ गए और कहा महाराज कि ये अमृत परीक्षित को पिला लो। सुखदेव जी बोले तो ठीक है, ये बैठे हमारे परीक्षित, आप ही पिला दो। तब देवताओं ने कहा महाराज एक निवेदन और है। क्या? बोले आप इनको जो अभी अभी कथामृत पिलाने वाले थे, हम चाहेंगे कि प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद भागवतामृतम। आपके पास भागवतामृत है, हमारे पास स्वर्ग सुधामृत है, सुधामृत परीक्षित को हम पिला देंगे, कथामृत आप हमको पिला दीजिए। जब असली बात कही तब सुखदेव जी खूब हंसे और बोले अरे देवताओं तुम बड़े ठगिया हो भाई, कांच का चमकीला टुकड़ा हमको दे रहे हो, बदले में करोड़ों की मणि उसके बदले में हमसे ले रहे हो, ये कोई बराबरी हुई? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचारी एवं तदा देवान जहास। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मराज और परीक्षित का एक नाम है विष्णुराज, और इन दोनों श्रोता और वक्ता को मां के गर्भ में ही गोविंद की कृपा मिल चुकी है। सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के पेट में रहे और जब तक भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया कि बेटा डरो मत बाहर आओ, मेरी माया तुम्हारा स्पर्श कभी नहीं करेगी, क्योंकि ये डर रहे थे बाहर आते ही माया लपेट लेगी। जीव को मां के गर्भ में अपने 100 जन्मों की याद रहती है, अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान रहता है, पर बाहर आते ही माया उसे ऐसा लपेटती है कि सब विस्मरण करा देती है, सब भुला देती है। स्थिति ऐसी है, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है वर्षा ऋतु में और भागवत में भी उसका वर्णन है कि जीव जगत में जन्म लेते ही उसी प्रकार मलिन हो जाता है जैसे निर्मल जल की धारा आकाश में तो निर्मल रहती है पर बूंद धरती पर गिरी के तुरंत मलिन हो गई, पानी गंदा हो जाता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी, जिम जीव ही माया लपटानी, भूमि परत भाढावर पानी, भूमि परत भाढावर पानी। तो सुखदेव जी बाहर ही आने को तैयार नहीं। जब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि माया मेरी है, मैं मायापति हूं, मैं वचन दे रहा हूं मेरी माया तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, गोविंद ने गीता में यही उपाय बताया है। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी माया बहुत दुरत्य है, माने बहुत ताकतवर है, इससे कोई नहीं बच सकता। अर्जुन ने कहा तो फिर आप ही बताओ बचे कैसे, तब भगवान उपाय बताते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, जो मेरे चरणाश्रित हो जाते हैं, मेरे प्रपन्न हो जाते हैं, शरण में आ जाते हैं, ते मायाम तरंती, वो बड़े आराम से इस माया को पार कर जाते हैं। तो जब माधव ने मायापति ने आशीर्वाद दिया तब सुखदेव जी ने संसार में कदम रखा, ऐसे माया मुक्त महात्मा है श्री सुखदेव जी महाराज। और परीक्षित का चरित्र कल विस्तार से आप सुनेंगे कि जब माँ के गर्भ में थे, अपने उत्तरा माँ के गर्भ में, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा ने, तो उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रभु ने परीक्षित को बचाया और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। तो परीक्षित ने मातृ उदर माँ के गर्भ में जगन्नाथ को पहले देखा, जगत को फिर बाद में देखा। तो श्रोता वक्ता भागवत के सुखदेव जी और परीक्षित हैं और दोनों को माँ के गर्भ में गोविंद का दर्शन पहले हुआ है, जगत का बाद में हुआ है, इसलिए दोनों ही माया मुक्त महापुरुष हैं, अतः इन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसलिए देवताओं की दाल भी नहीं गलने वाली,
देवताओं ने अमृत का प्रलोभन दिया और सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया कि तुम यदि श्रद्धा से श्रोता बन के आते तो मैं तुम्हें प्यार से, अरे भाई वहां कोई प्रतिबंध तो लगा नहीं था कि अमुक आवे अमुक ना आवे, जहां इतने हजारों महात्मा लोग बैठ के सुन रहे थे वहां देवता भी यदि बैठ के चुपचाप सुन लेते तो सुखदेव जी कोई भगा थोड़ी देते। पर देवताओं को देवत्व का अहंकार था कि हम देवता लोग हैं और ये लोग मनुष्य हैं, मनुष्य मनुष्य का जीवन में और देवताओं के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य के शरीर में तमाम रोग व्याधि और तमाम रक्त आदि सप्त धातुओं से भी निर्मित है, जबकि देवताओं का शरीर तो बड़ा चिन्मय दिव्य होता है और उस दिव्य शरीर में न पसीना है न दुर्गंध है, सब उनका अमृत पीने वाले अलौकिक देवता है। तो उनको लगा हम देवता लोग इन मरण धर्मा मनुष्यों के बीच में कथा सुने तो जरा पोजीशन खराब हो जाएगी, इसलिए हम कथावाचक को यहां से लेके चलते हैं और चुपचाप बैठ करके कथा सुनेंगे। इसलिए सौदाबाजी करने लगे और सुखदेव जी को इसलिए बुरा लगा कि ये देवता लोग देवत्व के अभिमान में ऋषि मुनियों के साथ बैठ के भी कथा सुनना पसंद नहीं कर रहे, सौदाबाजी कर रहे हैं। और एक देवादिदेव महादेव शिव शंकर हैं जो कथा सुनने के लिए काग भुसुंड जी के यहां जाकर के पक्षियों के बीच में पक्षी बन के चुपचाप बैठ के कथा सुनते हैं। बोलो राधे राधे। शंकर जी के चरित्र में आप देखिए, हंस बन करके पक्षियों के बीच में नीलांचल पर्वत पर जाकर के जब सती से वियोग हो गया तो उनके विरह में कथा सुनने के लिए नीलांचल पर्वत पर पहुंचे। तो महादेव तो पक्षियों के बीच में भी कथा सुनना पसंद कर लेते हैं, वो कोई अपना अहंकार नहीं रखते, जबकि कालम महाकाल कालम कृपालम, महादेव की महिमा तो अद्भुत है अलौकिक है। और देवताओं को देवत्व के अभिमान में वो ऋषि मुनियों के साथ नहीं बैठना पसंद कर रहे, इसलिए सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया। अभक्तांस्तांस्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को लौटा दिया, न ददौ स कथामृतम्, ये हरि कथामृत देवताओं को नहीं दिया, ऐसी देव दुर्लभ या दिव्य कथा है जो भगवत कृपा से पुरुषोत्तम मास में आज हम और आपको उपलब्ध हो रही है। बोलो भागवत भगवान की जय। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि चित। स्वर्ग में तो कौन कहे, वैकुंठ में भी ये कथा नहीं मिलेगी। जब राम जी जा रहे थे अवधपुर वासियों के साथ साकेत धाम, विमानों में बैठाया सबको, तो हनुमंत लाल जी दूर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राम जी मुस्कुरा के बोले, भाई तुम वहां क्यों खड़े हो, बैठो पवन सुत। हनुमान जी ने कहा, सरकार एक निवेदन। क्या? बोले ये बताओ आपके उस दिव्य साकेत में मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं। प्रभु बोले, हनुमान हम तो मिलेंगे पर हमारी कथा वहां नहीं मिलेगी, और हमारा सतत नित्य सत्संग सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा। हनुमान जी बोले, क्षमा करें सरकार, जब आपकी कथा सुनने को वहां ना मिले तो आपके दर्शन तो मैं सदा कभी भी कर सकता हूं, आप हृदय में 24 घंटे रह रहे हो। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो जब 24 घंटे हृदय में बैठे हो तो चाहे जब दर्शन कर लेंगे आपके, पर आपकी कथा के बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। भगवान की कथा सुनने के परम रसिक हैं श्री हनुमंत लाल जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। ऐसे पवन सुत श्री मारुति हैं जो भगवान की कथा एकदम प्रेम में विभोर होकर डूब करके सुनते हैं।